तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक पिकसार्ट और दूसरी काइन मास्टर। तो दोस्तों जी आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पिकसार्ट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों पिकसार्ट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, उसके बाद जहां पे कलर बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो दोस्तों बहुत से कलर बैकग्राउंड जहाँ पे आ जाएंगी, तो दोस्तों मैं इस कलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगा जो इरेजर वाली होती है, क्योंकि इसमें हम आसानी से PNG को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद जो मेरी पिकसार्ट में ओपन हो चुकी है, दोस्तों मैं सिंपली टूल में जाऊँगा। टूल में जाने के बाद मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। दोस्तों क्रॉप करने के लिए मैं 16:9 की जो रेशो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब की और हमारे थंबनेल की रेशो यही होती है, तो इसलिए मैंने 16:9 को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद मैं इसको गुड करूंगा। गुड करने के बाद जहां पे आपको ड्रा का ऑप्शन आएगा, दोस्तों ड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ड्रा को ओके करना है। तो दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने ब्रश को सिलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों ब्रश की लेंथ आप अप डाउन कर सकते हैं, तो जैसे मैं कर रहा हूं, तो आप जितना इस ब्रश को रखना चाहें रख सकते हैं। और इसके ब्रश की बहुत सारे फॉन्ट जहां पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैं जे वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद मैं इसका कलर जो है कलर को फ़िलहाल ब्लैक ही रखूँगा। ब्लैक करने के बाद मैं इसको गुड कर दूँगा। दोस्तों इस तरह से मैं इसको थोड़ा जहाँ पर ला के, तो दोस्तों इस तरह से मैं एक लाइन खींच लूँगा। दोस्तों इस तरह से लाइन बना लूँगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद जहाँ पे थ्री डॉट्स आएंगे इसको निकाल के जहाँ पे इमेज सेव इमेज आएगा मैं इसको सेव कर लूँगा। दोस्तों इतना करने के बाद मैं फिर से बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद मैं इसका कलर कलर जो है उसको वाइट सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको गुड कर लूँगा। और फिर से जैसे मैंने पहले लाइन खींची, फिर से मैं इस तरह से जहाँ पर लाइन खींच लूँगा बिल्कुल एक इसके साथ। तो दोस्तों इस तरह से लाइन खींच ली, मैं फिर से थ्री डॉट्स पे जाके सेव इमेज कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा जो पिक्सआर्ट का काम है वो हो गया। तो दोस्तों मैं इसको बैक कर लूँगा और अभी मैं काइन मास्टर को ओपन कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। दोस्तों काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं इसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और मीडिया में चला जाऊंगा। तो दोस्तों मीडिया में जाके मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा। तो आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इतना करने के बाद मैं इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा के 10-11 के करीब रख लूँगा। तो दोस्तों इसने लेंथ को रख के उसके बाद मैं इसको जहाँ पे लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मैं टेक्स्ट में जाकर जो भी आप अपना नाम जहाँ अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने YouTube लिखा, दोस्तों इसको इतना करने के बाद मैं इसकी जो लेंथ है इसको फुल कर दूंगा और इसको कुछ इस तरह से, दोस्तों मैं 8 के करीब इसकी लेंथ को रख लूँगा और जहाँ से भी इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा और इधर से कुछ इस तरह से लेंथ रख लूँगा। तो दोस्तों इसमें मैं फॉन्ट वगैरह इसके सेट कर लूँगा, जो भी आपको फॉन्ट वगैरह सेट करके कुछ इस तरह से सेट कर लूँगा। दोस्तों इसके बाद मैं इन एनिमेशन में जाऊँगा। दोस्तों इन एनिमेशन में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। मैं इस तरह से इसकी स्लाइड को सेट कर लूँगा और 3 के करीब इसकी स्लाइड को रख लूँगा। दोस्तों इसके बाद मैं फिर से इसी टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और आउट एनिमेशन में जाऊँगा। आउट एनिमेशन में कुछ इस तरह की स्लाइड मिल जाएंगी, उनको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसको भी 3 के करीब सेट कर लूँगा। दोस्तों इस तरह से मेरा जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद मैं फिर से लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाके मीडिया में जाके दोस्तों जो मैंने अभी PNG दो बनाई हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा इसके करीब। दोस्तों फिर से जाऊंगा और लेयर में जाके मैं दूसरा जो PNG है उसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों इतना करने के बाद जहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आएगा और बाइट वाले को रोटेट कर लूँगा कुछ इस तरह से। दोस्तों इतना करने के बाद मैं इसको भी एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे दोस्तों, और ब्लैक को भी एडजस्ट करके।
दोस्तों कुछ इस तरह से एडजस्ट हो चुका है और इसकी लेंथ को मैं फुल कर लूँगा। दोस्तों दोनों की लेंथ को मैं फुल कर लूँगा, आपस में मिला लूँगा दोनों को। दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं ब्लैक पे क्लिक करके और जहाँ पे अल्फ़ा का ऑप्शन आएगा इसकी थोड़ी सी इसकी जो ओपेसिटी है कम कर लूँगा दोस्तों कुछ इस तरह से। दोस्तों उसके बाद मैं वाइट की भी अल्फ़ा में जाके इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लूँगा कुछ इस तरह से। दोस्तों अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे आप उतनी ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से। दोस्तों उसके बाद मैं अपने जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूँगा। तो दोस्तों मैं टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से। तो दोस्तों मेरी जो वीडियो है कुछ इस तरह से बन के आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने वीडियो को क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों इसके बाद आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर इसको कलर वगैरह करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको टच करके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए। दोस्तों इस तरह से आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली मैं शेयर के ऑप्शन में जाऊंगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।